हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गेट ऐप के न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये वाला वर्जन नंबर इसका देखने को मिल जाएगा और आपको ये जो वर्जन नंबर के साथ जो चेंजेस देखने को मिलते हैं इस न्यू अपडेट के साथ, वो आपको यहाँ पे मेजर चेंज तो यही देखने को मिल जाता है जो कि इसके आइकन में चेंज हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। और भी इसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे गेट ऐप्स के न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आपको वर्जन नंबर देखने को मिल जाता है 1.1.0.1। इसमें जो मेजर चेंज है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, आइकन में चेंज हो जाता है, जो कि पूरा आइकन चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको न्यू आइकन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ये आपको जो MIUI का ऐप स्टोर देखने को मिलता है आप कह सकते हो, उसका अपडेट आया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसके अंदर की जो लुकिंग है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे जो गेम्स में ये कॉइन्स का आइकन था वो पिछले अपडेट में यहाँ पे रिमूव हो गया था, तो आपको इस अपडेट के साथ ये भी देखने को मिल जाता है। हर डिवाइस में एक कॉइन आइकन रिमूव नहीं हुआ था, किसी डिवाइस में था और किसी डिवाइस में रिमूव हो गया था, बट इस अपडेट के साथ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे बाकी सभी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब आप चेक कर सकते हो मैंने यहाँ पे गेट ऐप्स को ओल्ड वर्जन में दोबारा कर दिया, जो कि आपको ये देखने को मिलता है 30.0.1.0। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसे अपडेट कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको क्या करना है उसमें जाके डाउनलोड कर लेना है उसे। जब आप डाउनलोड करके आओगे उसके बाद आपको ये वाला वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा गेट ऐप्स का 1.1.0.1। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसे अपडेट यहाँ से कर लेना है। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलता है, ऑफिशियल अपडेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ये आइकन में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं ऐप इन्फॉर्मेशन भी आपको चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे इसे लोड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में भी जाके चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये जो वर्जन है आपको 1.1.0.1 देखने को मिल जाएगा न्यू आइकन के साथ। मैं आपको ओपन करके भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप ओपन करोगे आपको कुछ वही लुकिंग देखने को मिलेगी, बट गेम्स के सेक्शन में आओगे तो आप देखोगे आपको ये कॉइन्स का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मी के सेक्शन में आओगे तो आपको वही पुरानी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पुरानी लुकिंग के साथ ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे आप अपडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ से इसको नॉर्मल कैसे करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पुराना वाला वर्जन ही दोबारा आ जाए तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस पर लॉन्ग टैप करते हो ऐप इन्फॉर्मेशन में आते हो तो यहाँ पे आप इसके अनइंस्टॉल अपडेट यहाँ से नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को सर्च करना है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च बार में क्लिक कीजिएगा और आपको यहाँ पे ये सर्च कर लेना है हिडन सेटिंग्स फॉर MIUI। इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, इसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपकी एप्लीकेशन कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज एप्लीकेशंस का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक बार बैक कर दीजिएगा, मैनेज एप्लीकेशन पे दोबारा क्लिक कीजिएगा अगर ऐसा कुछ ओपन होता है तो। आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स का यहाँ पे ऐसा कुछ सेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे ऐप्स आपके शो कर देगा, पहले कुछ लोडिंग लेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऐप्स शो हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है गेट ऐप्स को यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे चलते हैं गेट ऐप्स पे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये गेट ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है मोर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे आपका ये अनइंस्टॉल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है यहाँ से बैक कर देना है, यहाँ से जो रिसेंट से आपको सभी ऐप्स को यहाँ पे क्लियर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका ये वर्जन जो है ओल्ड वर्जन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐप इन्फॉर्मेशन में भी आके आपको चेक करवा देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन हो चुका है, बट ये काफ़ी ओल्ड वर्जन हो चुका है, जो कि मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, जो कि 29 पॉइंट कुछ वर्जन आपको देखने को मिलता है, बट जो करंट वर्जन अभी चल रहा है वो 30 पॉइंट कुछ चल रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी पुरानी लुकिंग आपको देखने को मिलती है। सो अगर आप अपने करंट वर्जन में जाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने करंट वर्जन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो न्यू वर्जन है उसी वर्जन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे आ जाइएगा, चैनल का नेम सर्च कीजिएगा, आपको दोनों फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज आप सर्च बार में चैनल में जाके सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है गेट ऐप्स लिख के सर्च कर लेना, आपको दोनों APKs मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये वाला एक APK देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू वर्जन का है, और ये वाला जो आपका करंट वर्जन अभी चल रहा है वो वाला APK है। तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके इसे भी यहाँ से अपडेट कर लेना है।
आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, जो कि वर्जन भी आप देख सकते हैं 30.0.1.0 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अभी करंट वर्जन चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसेंट से एक बार सभी कुछ क्लियर कर देना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप देखोगे गेट एप्स का, मैं आपको वर्जन चेक करवा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यही वाला वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 30.0.1.0। अब आप इसे ओपन भी करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको वही वाला वर्जन आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की कुछ वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।